हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद बेशक बीजेपी और जेडीयू के बीच में बिहार में मनमुटाव खत्म हो गया हो, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में तकरार बढ़ सकती है। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन का, जहां कि जेडीयू ने फैसला किया कि अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा। आपको बता दें कि जेडीयू पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए आज से चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया है। बुधवार को दिल्ली में बिहारी बरहुल इलाका बदरपुर में उनका पहला कार्यक्रम शिविर था। खास बात यह है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी व लोक जनशक्ति पार्टी से जो है वो तालमेल करके चुनाव लड़ रही, वहीं जेडीयू जो है बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुल 70 सीटें हैं और जेडीयू ने सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी पुष्टि जो है जेडीयू के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने खुद किया है। साथ ही पार्टी के जो वरिष्ठ अध्यक्ष है वशिष्ठ नारायण, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि दिल्ली के लगभग 27 सीटों पे पूर्वांचली मतदाताओं का भी दबदबा है और यही बात है कि सभी पार्टियां जो है बिहारी और पूर्वांचली वासियों को अपने तरफ खींचने के लिए प्रयास कर रही है। दिल्ली को पूर्ण राज दर्जा दिलाने, अनाधिक चोरों को अधिक करना सभी पार्टियों की लगभग मुख्य मुद्दा होगा। वहीं जेडीयू जो है दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल की बदहाली को मुख्य मुद्दा बना के चुनाव में उतरेगी। आपको बता दें कि इन चुनाव में बिहारी के वोट जीतने के लिए सभी दल अपना अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और अपना अपना पार्टी अध्यक्ष जो है बिहार में ही चुने। जैसे कि आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष दिल्ली के हैं वो आप कीर्ति आजाद को देख रहे होंगे, वहीं बीजेपी ने पूर्वांचल से बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटों को लुभाने के लिए मनोज तिवारी को अपना अध्यक्ष बना रखा है। तो क्या कुछ दिल्ली की राजनीतिक में और उछाल आता है, इसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।